हेलो फ्रेंड्स, जिम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको हमारे सारे प्रीवियस वीडियो मिलेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पीडीएफ मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हमें मैसेज द्वारा, कमेंट द्वारा अपनी डिमांड बताइए, हम जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना, जो कि है इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना क्रमांक 16 यानी कि लेसन प्लान नंबर 16। अभी तक हम इकोनॉमिक्स की 15 पाठ्य योजना बना चुके हैं, उम्मीद है आपने देखी होंगी और पसंद किया होगा। और यदि नहीं देखी है तो उसके लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से प्लेलिस्ट खोलिए और सारे इकोनॉमिक्स के वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे, वहाँ से वीडियो देखिए और वीडियो का लाभ लीजिए। सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक डालने के बाद हम ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाते हैं, जिसमें कि हमको अपना छोटा सा इंट्रो भरना होता है, जिसमें कि हम सबसे पहले लिखेंगे छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ, आप सभी अपना नाम लिखें। विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उसका नाम लिखिए। कक्षा हमारी 11वीं का प्रकरण है, विषय है अर्थशास्त्र। दिनांक, आप जिस भी दिनांक को प्रस्तुतिकरण करें। समय 40 मिनट। कालखंड, जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं। प्रकरण है हमारा आर्थिक विकास के माप। हमने पिछला टॉपिक भी आर्थिक विकास पर ही बनाया था। अभी जो भी हम ये पाठ्य योजना बना रहे हैं, एक ही बुक की लगातार पाठ बना रहे हैं। एकाधि कुछ आगे पीछे हुआ होगा, बाकी हम लगातार बना रहे हैं। आप भी चाहें तो लगातार इन्हें लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, हमारा विषय अर्थशास्त्र है तो उसी से संबंधित हमारे सामान्य उद्देश्य हैं कि छात्रों के शब्द भंडार को विकसित करना, व्यावसायिक जानकारी देना, मनोवैज्ञानिक विकास करना, अर्थ स्पष्ट करने की शक्ति का विकास करना या विकसित करना, छात्रों का मानसिक व सामाजिक विकास करना, व्यवसाय जगत से परिचित कराना और अर्थशास्त्र के प्रति जागरूक करना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, कि छात्रों को व्यावसायिक विकास से संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करना, व्यावसायिक स्केल द्वारा छात्रों को समझाना, छात्रों को व्यावसायिक माप का आकलन करना सिखाना, छात्रों को आधुनिक विधि द्वारा माप करना सिखाना, छात्रों को माप में परिवर्तन के नियम समझाना। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, लपेट, चैम्पट, संकेतक, चार्ट आदि का हम इस्तेमाल करेंगे। शिक्षण विधि हमारी व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र आर्थिक माप के संबंध में पूर्व जानकारी रखते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। उसके बाद आता है प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, छात्र अध्यापक या अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार या विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाएंगे, जिसमें हम उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तावना निकलवाएंगे। यहाँ पे हम उनसे प्रश्न करेंगे कि बच्चों खरीदना बेचने को और क्या बोलते हैं, तो वो बताएंगे कि क्रय विक्रय मूल्य के बदले में, क्रय विक्रय के लिए अंतर्गत आता है व्यापार व्यवसाय, किसी व्यवसाय की उन्नति क्या कहलाता है, विकास, विकास का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न, ये उन्हें नहीं आता है। तब हम उद्देश्य कथन के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि बच्चों आज हम आर्थिक विकास की माप से संबंध में पढ़ेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार और श्यामपटकार कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम उन्हें परिचय समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और छात्र इस समय क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जो हम ब्लैकबोर्ड वर्क करेंगे वो हमें श्यामपटकार में लिखना है। फिर प्राचीन मापदंड को हम समझाएंगे, इस समय भी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आधुनिक मापदंड के बारे में हम बताएंगे, पूरे पॉइंट हम उन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मापदंड, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदंड, इस तरीके से हम उन्हें सारे पॉइंट समझाएंगे। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप, आर्थिक कल्याण वृद्धि मापदंड, सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक मापदंड, फिर आलोचना, उसके बारे में हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, सारे पॉइंट उन्हें लिखवाएंगे, समझाएंगे। इस समय विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे और जो भी छात्र अध्यापक या अध्यापिका लिखवाएंगे उसे नोट करेंगे। फिर आता है श्यामपटकार, हमेशा श्यामपट का प्रारूप बनाकर लगाना होता है, इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करें।
कार्डशीट को ब्लैकबोर्ड के आकार में काटें, मतलब कि ब्लैकबोर्ड का लघु प्रारूप बनाएं और यहाँ पर लगा दें। उस पर आप सिल्वर पेन से लिखें, कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिख दें और आप जो शुरू में अपना इंट्रो लिखते हैं वो लिखें। फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य, यानी हम उन्हें कक्षा में जो कार्य करने के लिए देते हैं। यह कार्य उन्हें एंगेज करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि हमें उनका पिछले दिन का गृह कार्य चेक करना होता है, तब हम उन्हें कक्षा कार्य देते हैं। यहाँ पे हम उन्हें कक्षा कार्य में दो प्रश्न देंगे कि आर्थिक विकास के अभिसूचक से क्या अभिप्राय है, आर्थिक विकास के मापदंड को समझाइए। फिर हम उन्हें गृह कार्य देंगे कि आर्थिक विकास का परिचय लिखिए। फिर उसके बाद आता है टिप्पणी। इसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है, आपको आपके पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान देख रहा होता है, वो आपको यहाँ पे टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, आपने जो समझाया वो बच्चों को समझ में आ रहा था या नहीं, बच्चे आपके बोधात्मक प्रश्न के आंसर दे पा रहे थे या नहीं, आप उन्हें पुनर्वनन दे रहे थे या नहीं, आपकी प्रस्तावना कैसी थी, प्रस्तावना प्रश्नों के उत्तर बच्चों ने दिए या नहीं, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा था, पीछे तक का बच्चे को दिख रहा था या नहीं, बच्चों पे आपका नियंत्रण था या नहीं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो टिप्पणी द्वारा देकर आपका पर्यवेक्षक आपको बताते हैं। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उनका लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।